हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे डिस्कस कन्वर्जन। और उसमें भी तीन तरह के कन्वर्जन जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कैटेगरी टू में डाला था कि अगर हम किसी अदर नंबर सिस्टम से, मान लीजिए हमने कहा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग और इन तीन टाइप के कन्वर्जन की बात करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि बाइनरी में अगर कोई नंबर दिया हुआ है, बाइनरी टू, अगर हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इन तीनों को हमने एक कैटेगरी में इसलिए रखा है कि ये इन तीनों को कन्वर्ट करने का मेथड सेम होगा। ठीक है, तो किसी भी एक मेथड को आप समझ लेंगे तो बाकी दोनों भी आप आराम से कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमें कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, से मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर इज गिवन 1001 बेस 2, यानी ये बाइनरी नंबर हमको दिया हुआ है और हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसकी पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे नंबरों की। तो जैसे हमने यहाँ लिखा 0 1 2 3, अब ये 1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1 × 2 की पावर 0। फिर इसको हम लिखेंगे 0 × 2 की पावर 1। फिर इसको हम लिखेंगे 0 × 2 की पावर 2, और फिर इस 1 को हम लिखेंगे 1 × 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 1 × 1 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3, मतलब 8। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, ये 9 आ जाएगा किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो किसी भी बाइनरी नंबर को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब मान लीजिए हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हमको बाइनरी में दिया हुआ है 1101, बाइनरी में हमको दिया हुआ है 1101 मान लीजिए आपको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1101010010 बाइनरी में, और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो देखिए, सेम मेथड जो हमने यहाँ अप्लाई किया था वही सेम मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले पोजिशनल वैल्यू से सपोज कीजिए आपको 1101010 दिया हुआ है, तो पहले आप पोजिशनल वैल्यू दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसको जब आप बेस के साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 × 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 1 × 2 की पावर 1, फिर ये हो जाएगा 0 × 2 टू द पावर 2, फिर ये इस 1 को लिखिए, ये हो जाएगा 1 × 2 टू द पावर 3, फिर ये 0 हो जाएगा आपका 0 × 2 टू द पावर 4, फिर इस 1 को लिखेंगे 1 × 2 टू द पावर 5, और ये हो गया 1 × 2 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसको जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 × 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, तो 0 × 1 ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो गया आपका 0, ये 8, 0, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, कितना हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 64। इसको जब आप ऐड कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 4 2 6, ये 106, ये वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में। क्लियर, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे भी किसी भी बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट कन्वर्जन पे। अब हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू
डेसिमल। तो देखिए, मान लीजिए आपको कोई ऑक्टल नंबर दिया हुआ है और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक। सपोज कीजिए आपको एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 367, ठीक है, दिस इज गिवन इन बेस 8 मतलब ऑक्टल में, और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे करेंगे, वही जैसे अभी हमने देखिए बाइनरी में हमने फॉलो किया था, वही प्रोसीजर। पहले आप पोजिशनल वैल्यू दीजिए इसको 0, 1, 2, ठीक। अब ये 7 कितना हो जाएगा, 7 × 8 की पावर, क्योंकि ऑक्टल का बेस कितना है 8 है, 8 की पावर 0, फिर 6 × 8 to the power 1, फिर 3 × 8 to the power 2, ये हो जाएगा आपका 8 to the power 0, 1 हो गया, तो 7 × 7 ये हो जाएगा 7, 6 × 8 = 48, और ये हो जाएगा 8 × 8 = 64 × 3, ये हो जाएगा 192। इसको आप ऐड कर दीजिए तो 8 × 2 = 17 के साथ हासिल लगा 1 और 2 × 4 = 7 बेस 10, ठीक है। तो देखिए सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि जिस भी नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल में करना है। तो देखिए बाइनरी में हमने यहाँ बेस की जगह पे 2 लिया था, ऑक्टल में यहाँ पे बेस की जगह पे हमने 8 लिया है, ठीक। अब मान लीजिए हम इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपको ऑक्टल में दिया हुआ है 1601 दिया है ऑक्टल में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्लियर। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए 1601 हमने लिखा, पहले ऊपर पोजिशनल वैल्यू लिखिए 0, 1, 2, 3, ठीक। अब इस वन को हम क्या लिखेंगे, 1 × 8 to the power 0, 0, फिर इस 0 को लिखेंगे 0 × 8 की पावर 1, फिर इस 6 को लिखेंगे 6 × 8 to the power 2, और फिर इस 1 को लिखेंगे 1 × 8 to the power 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 की पावर 0 1 हो गया, तो ये हो गया 1, ठीक, ये हो गया 0, यहाँ पे 8 × 64 × 6 ये हो जाएगा 384, और ये आ जाएगा 8 × 64 = 512, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हो गया आपका 897, किस में आ जाएगा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब आप एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको अभी हम तीसरा जो है आपका हेक्साडेसिमल वाला बता लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि उससे भी आपको पता चल जाएगा जब आप आंसर निकालेंगे कि हमारा आंसर सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड टाइप पे, मान लीजिए कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल अगर हमको ये कन्वर्जन करना है, तो सपोज कीजिए आपको हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ है 20B3, ये दिया है हेक्साडेसिमल में, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले 20B3, इसको वही पोजिशनल वैल्यू लिखिए, यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ठीक। अब ये 3 हो जाएगा 3 × 16 की पावर 0, 16 इसलिए क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 रहता है। फिर बी, तो बी को आप हेक्साडेसिमल में क्या ले सकते हैं, 11। ये चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोज में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि हेक्साडेसिमल में 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो यहां पे बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 11, तो इसको हम लिख देंगे 11 × 16 की पावर 1, फिर ये हो जाएगा 0 × 16 की पावर 2, फिर ये हो जाएगा 2 × 16 की पावर 3, तो ये हो गया 16 की पावर 0 1 हो गया, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर 11 × 16 आप करेंगे 176 आएगा, फिर 0 × 16 की पावर 2 करेंगे 0 आएगा, और फिर 16 की पावर 3 × 2 करेंगे ये आएगा 8192।
टू, इसको आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8371, किस में, बेस 10 में। ये आपका आंसर आ गया कि जब आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब मान लीजिए यहां पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहां पे हम आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ है 1 2 a e 5, ये दिया है आपका किस में, हेक्साडेसिमल में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो अभी तक जितना प्रोसीजर हमने पढ़ा है सेम वही फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए पहले हम लिखा 1 2 a e और 5, पोजिशनल वैल्यू लिखिए 0 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब इस 5 को हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 16^0। इस e को लिखेंगे तो e की वैल्यू यहां पे कितनी है, देखिए e बराबर 14, 14 × 16^1। फिर a कितना हो जाएगा, यहां से देखिए a बराबर 10, तो 10 × 16^2। फिर 2 × 16^3 और फिर 1 × 16^4। अब जब आप इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो 16^0 1 हो गया, तो 5 × 5 आ गया, ये आ जाएगा 224, ये हो जाएगा 2560, फिर ये हो जाएगा आपका 8192 और ये लास्ट में आ जाएगा आपका 65536, 65536। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 76517 10 में, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो देखिए किसी भी नंबर सिस्टम को, देखिए ये तो हमने आपको ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल हमने कन्वर्ट करके बता दिया। अब यहां पे चौथा एक स्पेशल टाइप लेते हैं कि अगर हमको किसी भी नंबर, एनी नंबर सिस्टम से हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, ठीक है। कैसे, तो देखिए मेथड समझ लीजिए, बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करेंगे। सपोज कीजिए आपको कोई नंबर दिया है, हमने कहा मान लीजिए 431 दिया है बेस 5 में, और वो बोल रहा है इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, ठीक। तो सेम प्रोसीजर, पहले 431 लिखा हमने, पोजिशनल वैल्यू लिखी 0 1 2। अब इस 1 को 1 × जो बेस है, बेस कितना है इसका 5, तो 5^0, फिर ये हो जाएगा 3 × 5^1, फिर ये हो जाएगा 4 × 5^2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5^0 1 हो गया, तो 1 × 1 1, ये हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपका 5×25 = 100। ऐड कर दीजिए, ये हो गया 116 डेसिमल में, ठीक। तो किसी भी, देखिए किसी भी नंबर, एनी नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप यही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है, हमने कहा 325, बेस दिया है 7, क्लियर, और इसको हमें करना है डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे करेंगे, वही कीजिए, 325 बेस ले लिया हमने 0 1 2, ठीक। अब ये 5 कितना हो जाएगा, 5 × 7^0, 2 × 7^1, 3 × 7^2, ये कितना हो जाएगा, 5 × 5, 7 × 2 = 14, और यहाँ 7 × 49 × 3 कितना हो जाएगा, 49 × 3 आप करेंगे, 3 × 9 = 27 के साथ हाथ से लगा 2, 3 × 6 = 12 और 2 = 14, यहाँ आ जाएगा 147। इसको ऐड कर दीजिए, 5 × 4 = 9 7 16 × 6 = 1, 4 × 1 = 5 = 6 और 1, ये आ गया डेसिमल में। तो ये आपको, आई होप कि किसी भी नंबर सिस्टम से अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पॉइंट आउट करने वाली है, जो अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको सवाल करते समय ये एकदम क्लियर रहेगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं आप।
इसके लिए मान लीजिए अभी जो हम लोगों ने सवाल किए हैं, कोई एक एग्जाम्पल उठा लीजिए। सपोज कीजिए हमने कहा कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्टल में 367 लिया था और 247 आ रहा है उसका, ठीक है। ऑक्टल में हमने क्या लिया था, 367 इन ऑक्टल में हमने लिया था और उसका कितना आ रहा था, 247, ठीक, डेसिमल में। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये चीज कि जब भी हम किसी नंबर से, मान लीजिए हमने कहा कि किसी नंबर को हम नंबर सिस्टम R1 से हम नंबर सिस्टम R2 में चेंज कर रहे हैं, किसी नंबर N1 को हम R1 बेस से R2 बेस में चेंज कर रहे हैं, ये समझ, और N2 आया, ठीक, क्लियर, कि R1 नंबर, R1 बेस में कोई नंबर N1 दिया हुआ है, जैसे यहां पे R1 है 8, नंबर दी N1 है 367, यहां पे R2 है 10, N2 है 247। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप छोटे बेस से बड़े बेस में कर रहे हैं, मतलब इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, तो जो नंबर आएगा, देखिए यहां पे क्या है, R1 छोटा है तो नंबर छोटा आ रहा है, यानी यहां अगर R, अगर आप बड़े बेस से छोटे बेस में कर रहे हैं तो जो N1 होगा वो भी बड़ा होगा किससे, सॉरी N1 जो है छोटा होगा किससे, N2 से, मतलब अगर बेस आप बड़े बेस में कर रहे हो तो नंबर छोटा आएगा, ठीक। देखिए यहां पे बेस कितना है, 8 है, यहां पे बेस कितना है, 10 है, यानी यहां पे R1 इज लेस देन R2 है, तो क्या होगा, N1 इज ग्रेटर देन N2 आएगा। तो देखिए बेस कम है तो यहां नंबर बड़ा है, और यहां पे बेस बड़ा है तो नंबर छोटा, ये मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा था, अगर आप बड़े बेस से छोटे बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नंबर जो ऑब्टेन होगा वो बड़ा होगा, ठीक। और अगर आप छोटे बेस से बड़े बेस में जा रहे हैं यहां पे इस केस में, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो आपको बड़ा मिलेगा, N1 इज ग्रेटर देन N2, ठीक है। अब यहां पे हम छोटे बेस से बड़े बेस में जा रहे हैं, मतलब ये केस है, R1 इज लेस देन R2 है, तो क्या होगा, यहां पे N1 कितना है, N1 है 367 और N2 क्या है आपका 247, यानी केस क्या आ रहा है, N1 इज ग्रेटर देन N2, और यही चीज मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, ठीक। तो ये चीज अगर आप ये सोचिए कि बेस अगर बढ़ेगा, इफ बेस इंक्रीजेस, ऐसे समझ लीजिए, इफ बेस इंक्रीजेस नंबर, जो नंबर दिया हुआ आपका वो डिक्रीज करेगा, बस ये एक चीज आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर से ही अंदाजा मिल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो, और ये सारे बेस में सब जगह पे ये चीज स्टैंड करती है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कोई आपका सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।